नमस्कार साथियों। दरअसल ये चैप्टर में था नहीं, लेकिन छोटा वीडियो लेकिन बहुत काम का वीडियो है। ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मित्रों ने, छोटे बड़े जो भी हमारे दोस्त हैं, सबने बहुत रिक्वेस्ट की तब मैं ये आज। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का है, बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना साथियों। आज है तो ये बहुत काम का, मैं जल्दी बताना चाहूंगा आपको। कपड़े में अगर कोई दाग लग जाए या किसी प्रकार की दाग लग जाए या गारमेंट में किसी प्रकार की दाग लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, और यह भी हो जाता है कि कभी कभी हम उसे गारमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है साथियों कि आप गारमेंट का दाग बहुत अच्छे से छुड़ा सकते हैं या किसी भी कपड़े का दाग बहुत अच्छे से छुड़ा सकते हैं। कैसे? अब चलिए, नॉर्मली जंग का दाग लग जाए अगर व्हाइट गारमेंट में अगर जंग का दाग लग जाए तो एक केमिकल आता है रंग काट को लगाइए, और उसके बाद सोडा से नॉर्मल कर दीजिए, यानी न्यूट्रल कर दीजिए, जंग का दाग चुटकियों में गायब। अब यही जंग का दाग अगर कलर कपड़े में लग जाए साथियों तो आपकी प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी, फिर रंग काट से काम नहीं होगा, नहीं तो वो कलर को खत्म कर देगा, सफेद कर देगा। यानी कि उसके लिए एक केमिकल आता है नैना लगाइए, और उसके बाद सोडा से न्यूट्रल करना बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सोडा सर क्यों बता रहे हो? सोडा इसलिए लगाना है कि केमिकल जो होता है, हम आप सोचते हैं कि केमिकल रिमूव हो गया है, लेकिन वो जो है धागे यानी फाइबर के अंदर बैठा रहता है, और बाद में वो रिएक्शन करता है, वहां पे गारमेंट खराब हो जाता है, कट जाता है, जल जाता है। इसलिए आपको सोडा लगाकर न्यूट्रल करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट साथियों, अगर हल्दी का दाग लग जाए या खाने पीने के समय में सब्जी का दाग लग जाए तो उसको कैसे निकालेंगे? तो अनुपम एक केमिकल आता है, अनुपम से आप उसको बड़े आसानी से छुड़ा सकते हैं। एक केमिकल और भी आता है साथियों, एमाइल से भी सब्जी के दाग और अनुपम से भी सब्जी के दाग बड़े आराम से रिमूव हो जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, ऑयल का दाग या किसी भी प्रकार के तेल का दाग अगर पड़ गया तो आप पर्क करा लें। अगर पर्क पॉसिबल नहीं है तो MTO में डुबोकर हल्का सा मलाई कर दें, आपका तेल का दाग बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, स्याही का दाग, इंक का दाग या पेन का दाग अगर लग गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसको हम एक केमिकल आता है एसीटोन लगाकर बिल्कुल पहले जैसा कर सकते हैं, यानी आपके स्याही का दाग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंक का दाग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पेन का दाग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर मिट्टी का दाग लग गया साथियों, मिट्टी का दाग, तो NIT एक पाउडर आता है, वॉशिंग पाउडर, उसमें डुबो करके या नॉर्मली आप अपना सर्फ एक्सल है उससे मलाई कर दें, आराम से आपका मिट्टी का दाग निकल जाएगा। गम का दाग, गम माने गम होता है यानी चिपकने वाला गम या स्टिकर गम, दोनों के लिए आपका जो दाग छुड़ाया जाता है सॉल्वेंट की मदद से। सॉल्वेंट एक संशोधित पेट्रोल होता है, उसके द्वारा आप रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका गारमेंट ऑफ व्हाइट है या फैब्रिक ऑफ व्हाइट है, उसको खूब दूध की तरह व्हाइट करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं।
यानी रंग का ब्लीच करके भी कर सकते हैं, यानी आप व्हाइट शॉर्पनर यूज करके भी कर सकते हैं, या मामूली सा हल्का सा ब्लीच करके भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी साथियों बहुत अच्छी है और हर जगह हर घर में हर कपड़े की फैक्ट्री में हर गारमेंट की फैक्ट्री में इसकी विशेष जरूरत होती है। तो आप एक बार दो बार दस बार जरूर देखें ताकि आपको इस केमिकल्स का नाम याद आ जाए और साथ में आपको जो है रिमूविंग की आइडिया जो मैंने बताई है उस प्रकार से रिमूव करेंगे, सर्दियाँ आपका गारमेंट रिजेक्ट होने से बच जाएगा और आप पहले की तरह गारमेंट पाएंगे। थैंक यू साथियों प्यार देने के लिए, आपका बहुत प्यार मिल रहा है और यूं ही बनाए रखें और गुड नाइट।